गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा अग्नि 5। हमने इससे पहले देखा था अग्नि 5 मिसाइल की पारगम्य क्षमता कितनी है, तो ये 5,500 किलोमीटर है। कितनी है? 5,500 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसने विकसित किया है इसे? तो DRDO ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो सलजड़ी नेपाल के अंदर ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुई है? भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है ये। तो भारत के संदर्भ में कोल 2022, एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025। तो ये इस नाम से प्रदर्शित हुई है। भारत के संदर्भ में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसका नाम है कोल 2022, एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025। नेक्स्ट है, 1600 युवाओं को डिजिटल स्किल ट्रेनिंग देने के लिए किन के बीच MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, समझौता हुआ है? तो ANS इंडिया और NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के मध्य यह है समझौता साइन हुआ है। नेक्स्ट है, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसने किसने किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने दिया, किसे दिया गया है? तो पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। यह बॉलीवुड की क्या है, एक एक्ट्रेस है जिन्होंने हाल ही में इनकी एक क्या है वेब सीरीज लॉन्च हुई है जिसका नाम है द हार्ट। देखना आप, काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू हुई है? तो तमिलनाडु राज्य में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू हुई है। नेक्स्ट है, पीए संगमा फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो तुरा मेघालय के अंदर हुआ है। पीए संगमा फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तुरा मेघालय के अंदर। और पीए संगमा यहाँ के क्या है, CM मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है, अमेरिकी वायुसेना ने कौन सी मिसाइल सफलतापूर्वक लॉन्च की है? तो अमेरिकी वायुसेना ने AGM-183A मिसाइल लॉन्च की है। और अपने कौन सी की है? अग्नि 5, जिसकी मारा क्षमता है 5,500 किलोमीटर। किसने निर्माण किया है? DRDO। नेक्स्ट है, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को कितने अंतर से हराया था, मतलब कितने गोल से हराया था? तो सबसे पहले तो जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। और किसके खिलाफ जीता था? फ्रांस के खिलाफ जीता था। कितने अंतर से हराया था? तो पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया था। कितने? 4-2 से। अर्जेंटीना के 4 हुए थे, ठीक है, और इसके कितने हुए थे? फ्रांस के 2। तो 4-2 से हराया था। तो ये है हमारे टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच।